इज गोना जॉइन अस वेरी सून एंड जब तक आप लोग मुझे ये बताएं कि ओके इकरा इज कमिंग आई वांट टू हियर यू ऑल शाउट इकरा इकरा गाइस गिव इट अप फॉर ब्यूटीफुल चार्मिंग इकरा अजीम Beautiful, gorgeous Ikra's here. Assalamu alaikum, everyone. माशाल्लाह से सब लोग इतना अच्छा परफॉर्म करके जा चुके हैं कि मुझे अब अजीब लग रहा है स्टेज पे आते हुए बिकॉज देयर आर सच अमेजिंग सिंगर्स और आप लोग इतने हाइप्ड अप हो चुके हैं म्यूजिक से तो मैं क्या ही कर दूंगी बट थैंक यू सो मच इट फील्स सो गुड टू बी बैक इन टोरंटो एंड इन कैनेडा यू गाइज आर अमेजिंग आप लोग सबसे अच्छी ऑडियंस हो सबसे बेहतरीन फैंस हो हम अवार्ड्स के लिए भी जब भी यहाँ पर आए हैं यू गाइज हैव गिवन अस सो मच लव टू अस जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स हैं इवन द इंडियंस हेयर All of you, मतलब सलाम है आप लोगों को You guys are amazing. So are you having fun here? बस ये नहीं चलेगा जोर से बताना पड़ेगा अगर फन हो रहा है तो That's more like it. But एक चीज जो मैं सबसे पहले mention कर देना चाहती हूँ Thanks to True Sound Live एंड सीतल पनेसर जिन्होंने ये इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एंड फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर टू कैनेडा कि मैं आप लोगों से दोबारा मिल सकूं और मेरे सामने दो इतनी स्पॉटलाइट्स हैं कि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही बट आई नो दैट पीपल बिहाइंड देयर आई होप कि मेरी आवाज़ और मेरा प्यार अब तक जा रहा होगा आई डोंट हैव मच वर्ड्स दिस लाइक मुझे फिर ऐसे स्टेज पे आके लग रहा है कोई विनिंग स्पीच के लिए मैं आई हुई हूँ बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड कितनी बार बोलो यार आप लोग बहुत अमेजिंग हो बाय द वे आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेदर एकदम चेंज हो गया एंड आई वाज लाइक मुझे तो जैकेट पहन के आ जाना चाहिए स्टेज पे बट हैट्स ऑफ टू यू गाइज कि आप लोग इतने मुश्किल वेदर में भी रहते हो सो या It's great. Kya bolu yaar? I think we had something to do. Okay, so do you guys have some questions? Hi. This is so sweet. And loving projects in my life. मैं बहुत मेहनत की थी उसके लिए और आपने इतना प्यार दिया मुझे फरहान को हमारी टीम को उसके लिए सो थैंक यू सो मच देयर इज दिस लास्ट सीन सुनो चंदा का जो हमारा शादी का सीन है और अगले दिन ईद थी अगले दिन चांद रात वाला दिन था लास्ट रोज़ा एंड फरहान हैड अ फ्लाइट बैक टू लाहौर हम रात में वो सीन कर रहे थे हम पूरे दिन से शूट कर रहे थे इट वॉज द लास्ट डे ऑफ सीजन वन और वो लिखा हुआ था सीन But that whole scene was improvised by us. We were shooting on two cameras, और वो हमारे अपने मतलब स्क्रिप्ट में आइडिया तो था हमें कि हमें बोलना क्या है बट इट वॉज अस मतलब इट वॉज एक्चुअली अरसल एम जिया हम लोगों ने अपनी तरफ से पीछे से सिर्फ हमारे जो एहसन तालिश डायरेक्टर है वो बोलते थे ये बोल दो हम ये बोल देते थे फिर बाकी हम लोग खुद इम्प्रोवाइज करते थे कि ये मेरा जोड़ा है यही फैला रहेगा और ये अनऑफिशियली या ऑफिशियली मेरा कमरा है तो मैं यहाँ से जाना पड़ेगा ऑल ऑफ दैट इट वॉज जस्ट एन आइडिया इन द स्क्रिप्ट बट इट वॉज ऑल आर डायलॉग्स क्योंकि उस वक्त तक हम इतना अरसल जिया बन चुके थे कि हमने बोला अब तो हम खुद स्क्रिप्ट भी लिख लेंगे और मेरे ख्याल से शायद बाद में शूट भी कर लें सो दिस वॉज अ टाइनी स्टोरी ऑफ दिस बाकी क्या करना चाहिए स्टेज पे मैं Yeah
मैंने किसी को स्टेज पे बुलाया था और मैंने स्टेज पे बुला के छोड़ दिया। यार क्या करते हो आप लोग मेरे साथ? अभी आगे जान गई। How old are you? I'm 12. That's so cute. Okay, have you watched any of my plays? Did you like anything? Yeah. Bas sahi tha ya. Yeah, I want. It's like pretty good, but like. No. But like, I want to hear that. Uske baad. Uske baad. But uske baad. Like. But thank you so much. Hum jitni mehnat karte hain, hearing it. Ye jo behan hamare saath hai, Intra Aziz hamare saath hai, Toronto ke is बड़े हाल में वहां ही एक हमारी और इकरा है, उसका नाम क्या है? नो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इकरा खालिद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कैन आई हैव इकरा खालिद ऑन द स्टेज प्लीज? ये और यहां पे मैं सबसे पहले चंद हमारे स्पॉन्सर हैं जिनका शुक्रिया अदा करूंगा। टीम फरहान को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, बैटमैन फिक्री को और के ट्रेवल को, वतन कबाब हमारे सबसे बड़े स्पॉन्सर हमेशा होते हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर वतन कबाब प्लीज। यूनिक लेजर इकरा बहन आपका वेट हो रहा है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर पांच इकरा, दैट्स अ टू इकरा। और इसके साथ शर्मा सिंह इमिग्रेशन की माला सिंह को हम स्टेज पे बुलाएंगे। शर्मा माला जी आप आ जाए। यूनिक लेजर स्पा की रीटा जी का लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर अमर भाटिया जी प्लीज हमेशा। और सेलर पॉइंट से बॉबी मक्कर जी, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। बॉबी जी प्लीज तशरीफ लाएं। बॉबी जी ने हमेशा हमारा साथ दिया। सीतक नेसर जी लस के बारे में थोड़ा स्पॉन्सर बैटमैन टीवी एंड अप्लायंस ग्रीन से, ग्रीन मोटर से, नवाब मोटर्स के जनाब यहाँ चहेते खड़े हैं, वो भी तशरीफ ले आए। नवाब मोटर्स सर आप तो आ जाए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर मेन स्पॉन्सर टीम फरहान। टीम फरहान के लिए बहुत बढ़िया तालियां। नेहा सेठी जी हमारे साथ हैं, ये भी हमारी बहुत की स्पॉन्सर है। अमर भाई थैंक यू वेरी मच। आपका अमर भाई हमारे साथ है, के ट्रैवल साथ है, नेहा जी, इन सब स्पॉन्सर का हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे प्यारा फरहान अफसार साहब का तो कढ़ाई बॉय का खाना नहीं खाया आपने, तो कुछ नहीं खाया। कढ़ाई बॉय का थैंक यू। थैंक यू। और मैं यहाँ माइक दूंगा इकरा जी, कोई भी मेरा बहन भाई क्रीम अगर कोई बंदा है यहाँ तो वो तशरीफ लाए। ब्रांडेड अप्लायंसेस वाला कोई भी है तो वो तशरीफ लाए प्लीज।